एक संख्या का बोध होता है उसे एकवचन कहा जाता है। ऐसा शब्द या ऐसा पद जिसके द्वारा किसी एक संख्या का बोध होता है उसे एकवचन कहा जाता है। जैसे भारत में लड़का लड़की बैक्टीरिया मेरा इत्यादि इन सभी शब्दों से किसी एक विकारी शब्द का बोध हो रहा है अतः ये एकवचन माने जाएंगे। दूसरा है बहुवचन। बहु का अर्थ है बहुत सारे। बहु वचन वह है विकारी पद विकारी पद जिसके रूप के द्वारा किसी एक संख्या किसी की एक से अधिक के संख्या का बोध होता है उसे बहुवचन कहा जाता है। उसे ही हिंदी भाषा में बहुवचन कहा जाता है। जैसे लड़के लड़कियां आदि इन सभी शब्दों से किसी एक व्यक्ति से अधिक संख्या का एक विकारी शब्द की एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है अतः बहुवचन शब्द माना जाएगा। वचन परिवर्तन के कुछ नियम यानी एकवचन शब्द है उस एकवचन शब्द को हम बहुवचन किस प्रकार से बना सकते हैं इस प्रकार से हम उसके एकवचन से उसके बहुवचन में तब्दील कर सकते हैं। उसके कुछ नियम है जैसे पहला नियम है शब्द के अंत में शब्द के कोई शब्द लिखा उस शब्द के अंत में आ आया शब्द के अंत में आ आया हुआ है उसको ए में बदल दो। मान लीजिए कुछ शब्द है और एकवचन का शब्द उसके अंत में आ है उस आ को हम ए में बदल देंगे तो ए में बदलने के कारण से वो शब्द एकवचन से बहुवचन में बदल जाएगा। जैसे कमरा इसमें आ शब्द आया अंतिम जो
इस शब्द का अंतिम अक्षर है वो आ है, शब्द के अंत में आ है, उस आ को किसमें बदल रहे हैं, ऐ बदल रहे हैं, कमरा से क्या बन गया कमरे, ये एक वचन है और ये क्या हो गया बहु वचन। इसी प्रकार से लड़का से क्या हो गया लड़के। अगला नियम है शब्द के अंत में ऐ को ऐ में बदल कर जैसे पुस्तक से क्या बन जाएगा पुस्तकें और दीवार से दीवारें। तीसरा नियम है शब्द के अंत में आई आ आकारांत के साथ ऐ जोड़कर, अगर किसी शब्द के अंत में आ जाता है और उस आ को हम इसमें तब्दील कर देते हैं ऐ के साथ ही जोड़ देते हैं तो वह एक वचन शब्द से क्या बन जाता है बहुवचन शब्द बन जाता है, जिसे बाला से बालाई कविता से कविता है। अगला है इकारांत वाले शब्दों के अंत में इया लगा, अगर कोई इकारांत शब्द है ई वाला शब्द है जिस शब्द के अंत में ई आया है और उस ई वाले शब्द के अंत में हम उसमें क्या जोड़ देते हैं इया शब्द जोड़ करके उसे एक वचन से बहुवचन में तब्दील कर देते हैं या बदल देते हैं। जैसे ही उसी ई वाले शब्द के साथ इया शब्द जोड़ा जाता है ऐसा करने के बाद वह शब्द एक वचन से बहुवचन में बदल जाता है। जैसे दवाई से दवाइयां, लड़की से लड़कियां। इसके बाद में देखिए पांचवा नियम है सभी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में, सभी स्त्रीलिंग शब्द के अंत में आए या को या में बदल कर जैसे चिड़िया से चिड़िया, यानी इसको अनुनासिक में बदल देते हैं वैसा करने के उपरांत से वह एक वचन से बहुवचन में बदल जाता है। अगला छठा नियम है इसका स्त्रीलिंग शब्द के अंत में, छठा नियम स्त्री लिंग शब्द के अंत में आए ऊ आर ऊ को ध्यान से देखना, अगर स्त्रीलिंग शब्द है और उस स्त्रीलिंग शब्द के अंत में ऊ आर ऊ आ जाता है तो उसके साथ ऐ बदल कर उसको किसमें बदल देना है ऐ और ऐ में बदल देना है। ऐसा करने के बाद वह एक वचन से बहुवचन में बदल जाएगा। जैसे वधु, वधु से क्या आ गया वधु ए, वधु ए अगला शब्द है वस्तु से वस्तुएं आ बहु से बहु ए, इस प्रकार से एक वचन से बहुवचन में बदल जाता है। स्त्रीलिंग शब्द है उसके अंत में आ उसके अंत में ऊ और ऊ आता है तो उसके साथ क्या जोड़ देना है ऐ जोड़ देना, ऐसा करने के उपरांत वह शब्द एक वचन से बहुवचन में बदल जाता है। सातवां नियम है इसका ई आर ई सावधान वाले स्त्रीलिंग शब्दों ई आर ई सावधान वाले स्त्रीलिंग शब्दों के साथ यौन लगाकर
शब्दों के साथ यौन लगाकर तथा ईई मात्रा को तथा ईई मात्रा को ई से बदलकर ई की मात्रा को ई से बदलकर जैसे जाति जातियां जाति से क्या बन जाएगा जातियां सॉरी जातियों जाति से जातियों और रोटी से रोटी करना क्या है अगर ई और इस दौरान वाले स्त्रीलिंग शब्द आते हैं तो उनको यूं बदल कर तथा ई की मात्रा को क्या करना है छोटी में तब्दील कर देना ऐसा करने के उपरांत वाले शब्द एक वचन से बहुवचन में बदल जाएगा। अगला नियम है इसका आठवां एक वचन शब्द के साथ अगर एक वचन शब्द है उस एक वचन शब्द के साथ जन गण आद जन गण व्रंज आदि लगा अगर कोई एक वचन शब्द है उस एक वचन शब्द को बहुवचन में बनाना या बहुवचन में परिवर्तित करना है तो उस शब्द के साथ जन गण या वृंद जोड़ दो जैसे गुरु गुरु जन एक वचन से एक बहुवचन में बदल गया अध्यापक अध्यापक के घर इत्यादि